तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर टीजीटी पीजीटी साथ ही यूपी टीटी 2021 के बारे में। सारी अपडेट को हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपी डब्ल्यूएससी राज्योस लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। उसके लिए मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक के अंदर बहुत सारी आपको जो डिटेल है वो दी गई है। पीईटी परीक्षा में आपने देखा ऑनलाइन का कुछ भी पेपर के अंदर नहीं पूछा गया, जो भी पूछा गया सब कुछ बुक से आपको देखने के लिए मिला। इसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लेखपाल के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो बुक के माध्यम से पढ़ें, 100% आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। इस बुक के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी साथ में डिटेल देखने के लिए मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आपको मिलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके साथ साथ आप सभी परचेस कर सकते हैं इनकी संपूर्ण गाइड, साथ में इसकी अगर बात करें प्रैक्टिस सेट को भी, जो कि आप सभी को ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आप सभी ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर पीएनबी की ओर से जो कार्यक्रम जारी किया गया था वो आपकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को होने वाली है। ऐसा कार्यक्रम पीएनबी के मतलब कि यह शासन की तरफ से जारी कर दिया गया था, जिसको मंजूरी मिल गई है। उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल छात्रों के मन में दो है, पहला हाई कोर्ट के आदेश को लेकर, तो दूसरा आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है प्रवेश पत्र के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसे छात्र जिनके ग्रेजुएशन के अंदर 50% से कम नंबर है वो यहाँ पे हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को सीरियसली सुनते हुए लगातार 2 से 3 सुनवाइयां देखने के लिए मिली, सरकार से जवाब मांगा गया, सरकार के अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया कि यहाँ पे सरकार के महाधिवक्ता आकर बहस करें और यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर क्लियर करें कि आखिर 50% वाले छात्रों को बाहर क्यों रखा गया। सरकार के खिलाफ 2 से 3 चीजें देखने के लिए मिलती हैं, पहला सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दूसरा एनसीटीई का आदेश। अब इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी जो सुनवाई है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। उसी के बारे में हाई कोर्ट की तरफ से पिछली सुनवाई के अंदर यहाँ पे जो आदेश दिया गया था वो आप सभी देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा सुनवाई के बारे में। यहाँ पे आप सभी के सामने नाम वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, उसी क्रम में आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। 30 तारीख को यह आदेश दिया गया था 5 अक्टूबर 2021 के लिए, मतलब कि आज के लिए। फिलहाल इस केस को यहाँ पे कभी भी सुनवाई के लिए लगवा सकते हैं जो एडवोकेट होंगे। उसका रीजन ये दिया गया था कि सरकारी वकील किस समय फ्री होंगे, क्या होगा क्या नहीं, तो यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से मौका दिया गया था कि वो जब चाहें इस मुद्दे को लेकर लिस्टेड करवा सकते हैं 5 अक्टूबर 2021 को, चाहे वो चाहे तो सुबह 11 बजे रजिस्टर्ड करवाएं या फिर 4 बजे। अपनी बहस को लेकर सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बहस करनी है और जैसे ही कोई यहाँ से फैसला देखने के लिए मिलता है या फिर सुनवाई समाप्त होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, किस समय होगी इसकी जानकारी एडवोकेट के माध्यम से नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पे केस को मेंशन करवाना है, जब मर्जी यहाँ पे वो अपने केस को लिस्टेड करवा सकते हैं। यहाँ पे उनको फ्री हैंड दिया गया, जैसा कि आप सभी देख पाए मेंशन के लिए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आप जानते हैं कि 50% के छात्रों को मौका मिलेगा कि नहीं, इसका फैसला हाईकोर्ट की तरफ से करना है। सरकार अपनी तरफ से क्या जवाब देगी क्या नहीं, इसको लेकर भी काफी चीजें आप सभी के सामने क्लियर होंगी। देर शाम तक 4 बजे तक या 5 बजे तक जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो फिलहाल यह बात हो जाती है फैसले को लेकर, जो कि हाई कोर्ट में देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पे आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि परीक्षा को लेकर क्या होगा क्या नहीं, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के एडमिट कार्ड को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एडमिट कार्ड से पहले आपका परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया गया था शासन के निर्देश के अनुसार, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा शासन की तरफ से यहाँ जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसके क्रम में तीसरे पॉइंट के अंदर जानकारी दी गई थी कि 5 अक्टूबर 2021 को, मतलब कि आज की तारीख में,
वेबसाइट पे जो एडमिट कार्ड है वो लोड कर दिए जाएंगे और जिसकी जानकारी आप सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। तो पीएनबी की मतलब पीएनबी की तरफ से आज की तारीख में आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे 5/10/2021 को। अभी तक इसके बारे में पीएनबी की ओर से कोई आधिकारिक तारीखें नहीं निकली है, मतलब उनकी तरफ से बताया नहीं गया कि कब तक जारी करेंगे, शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक या फिर 7 बजे तक। जैसे ही देर शाम तक कोई अपडेट मिलेगी तो आपको दे दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन के अनुसार देखा जाए तो आज की तारीख में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाने चाहिए। देर शाम तक पीएनबी से कोई अपडेट निकलती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से अवश्य दी जाएगी, लेकिन जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक आज की तारीख में आपके जो एडमिट कार्ड है वो आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ देर शाम तक आप सभी के सामने हाईकोर्ट का फैसला भी देखने के लिए मिल सकता है। अब परीक्षा को लेकर क्या होगा क्या नहीं, ये तो आप सभी शाम तक ही इंतजार करें, चाहे वो हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हो या फिर एडमिट कार्ड के बारे में, लेकिन आज आप सभी के सामने काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन को करते रहे, चाहे एडमिट कार्ड की अपडेट होगी या फिर हाईकोर्ट की, दोनों की जानकारी आप सभी को वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी, तो लाइक करके अवश्य जाना। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर, बहुत सारे छात्रों की ओर से पूछा जा रहा था कि सर टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में क्या फैसला देखने के लिए मिला, आपने कोई अपडेट नहीं दी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को अपने कल के वीडियो के माध्यम से सुबह जानकारी दी थी कि आज की तारीख में चयन बोर्ड के द्वारा जारी काउंटर का छात्रों की ओर से या फिर एनकाउंटर किया जाएगा, मतलब कि रिजाइंडर फाइल होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि परीक्षा के अंदर हुई अनियमितता के बारे में जो सवाल हाईकोर्ट की तरफ से पूछे गए थे उसको लेकर स्पष्टीकरण चयन बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा, और एक बार जब काउंटर और एफिडेविट फाइल हो जाएंगे, रिजाइंडर एफिडेविट फाइल हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों के अधिवक्ताओं को बहस करने का मौका मिलेगा। मैं आप सभी को बता दूं, जानकारी देखने के लिए मिल रही है कल की तारीख में ये जो मामला था वो कहीं ना कहीं लिस्ट के अंदर थोड़ा नीचे लगा हुआ था। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अभी तक इसको लेकर अगली तारीख की कोई निश्चित तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस तारीख को अगली सुनवाई होगी, लेकिन छात्रों के अधिवक्ताओं की तरफ से इसको लेकर जो रिजाइंडर एफिडेविट था वो फाइल कर दिया गया है। यहाँ से जो काउंटर आया था चयन बोर्ड की ओर से उसके जवाब में छात्रों के अधिवक्ताओं की तरफ से रिजाइंडर फाइल कर दिया है। अब जो भी अगली तारीख लगेगी उस पर इन दोनों मुद्दों को लेकर बहस देखने के लिए मिलेगी। एक तरफ चयन बोर्ड के अधिवक्ता पक्ष रखेंगे तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों के अधिवक्ताओं की तरफ से परीक्षा के अंदर हुई धांधली को लेकर जो सवाल है वो खड़े किए जाएंगे, और फिर उसके बाद में चयन बोर्ड के जवाब को सुनने के बाद, छात्रों के जवाब को सुनने के बाद में हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाएगा। तो कल की तारीख में रिजाइंडर तो फाइल कर दिया गया है ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अगली तारीख को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसको अगली तारीख पर सुना जाएगा, लेकिन वो कौन सी तारीख होगी इसके बारे में अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अगर जानकारी निकलेगी तो आपको अगले वीडियो के माध्यम से या फिर अगली अपडेट दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, 16,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कम मेरिट वालों का चयन हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर जवाब मांगा गया है। कम मेरिट वाले छात्रों की नियुक्ति देने को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को तलब किया गया है। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिक अंक पाने वाले ओबीसी के अभ्यर्थी को नियुक्ति न देकर कम मेरिट वाले छात्रों को नियुक्ति दी गई है, इसके बारे में यहाँ पे जो जवाब है वो तलब किया गया है। कोर्ट ने सचिव से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है, साथ में इस प्रकार की गड़बड़ी कैसे हो रही है इसको लेकर भी जानकारी मांगी गई है। फिलहाल इस मुद्दे के बारे में जो अगली तारीख है वो लगा दी गई है, सरकार के जवाब के बाद में इस पर फैसला देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी 2021 को लेकर पीएनबी सचिव की तरफ से बयान जारी हुआ है, जो कि आप सभी को आज के कई समाचार पत्रों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 के लिए अभ्यर्थी एक ही फॉर्म में से प्राथमिक और साथ में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोनों परीक्षाएं अलग अलग समय पर देखने के लिए मिलेंगी और अलग अलग आपको जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। उसी के क्रम में नीचे जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि परीक्षा 28 नवंबर 2021 को करवाई जाएगी, लेकिन ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की ओर से जानकारी दी गई कि यूपी टीईटी 2021 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से करवाए जाएंगे, अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र पूरे तरीके से भरना होगा, अधूरे आवेदन को यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, लिहाजा अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। किसी तरह की त्रुटि पाए जाने पर आवेदन न तो संशोधन किया जाएगा और ना ही दोबारा से आप सभी को भरने का मौका मिलेगा। हालांकि जो छात्र होंगे वो दोबारा से आवेदन को भर सकते हैं, जिसके लिए उनको दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, अपनी फीस भी देनी होगी। तो यहाँ पे सचिव की तरफ से जानकारी दी जाती है कि सावधानी से आप सभी को आवेदन करना है, आधा अगर आप भरते तो भी आपका निरस्त हो जाएगा
और अगर आप गलती करते हैं तब भी आपके लिए यहाँ से समस्याओं का सामना करना होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।